कई बार वक्त इंसान को समय से पहले बड़ा और गंभीर बना देता है। ऐसा ही कुछ हुआ ब्यूटी पेजेंट मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 की फाइनलिस्ट और पेशे से बैंकर संगीता कुमारी के साथ, जब पिता और भाई की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। हरियाणा में जन्मी संगीता के पिता फौज में थे, छठी क्लास तक अलग अलग राज्यों में रहकर पढ़ाई पूरी की। पिता की लास्ट पोस्टिंग के लिए संगीता और उनका परिवार अरुणाचल प्रदेश आया, यहीं उनकी रिटायरमेंट हुई और कोल माइंस में सरकारी जॉब मिली। संगीता ने तेलुगु सीखी और आगे की सारी पढ़ाई यहीं से की। फर्स्ट ईयर में कॉलेज टॉपर रही संगीता, कॉलेज प्रोग्राम में भी काफी एक्टिव रही। ग्रेजुएशन के बाद परिवार हरियाणा शिफ्ट हुआ और यहीं से संगीता ने कैट की कोचिंग की। इस बीच संगीता के पिता को माइनर हार्ट अटैक आया। तेलंगाना में उनके पास पहुंची तो दर्द से कराह रहे पिता ने ये कहकर हैदराबाद नौकरी करने भेज दिया कि टाइम वेस्ट मत करो। हैदराबाद पहुंची संगीता को एक आईटी कंपनी में नौकरी भी मिल गई, जिसके बाद उन्होंने खुद एमबीए में दाखिला लिया और अपने छोटे भाई का दाखिला ग्रेजुएशन में कराया। नौकरी और पढ़ाई करते 4 साल निकल गए और एक दिन अचानक पिता की मौत हो गई। इसके बाद संगीता का पूरा परिवार हरियाणा आ गया, उनकी शादी हो गई, बड़े भाई को पापा की नौकरी मिली। फिर वो समय आया जब संगीता 4 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब संगीता पर ससुराल और मायके दोनों की जिम्मेदारी थी। ICICI बैंक में उन्हें नौकरी मिली और इसी बीच एक ब्यूटी पेजेंट की जानकारी भी। माँ ने पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया और संगीता ने चुना मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 का रास्ता। मुंबई गई तो पता चला कि वो फाइनलिस्ट की लिस्ट में शामिल हैं। खुशियों ने आंगन में दस्तक दी ही थी कि इसी बीच पता चला कि माँ का हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी माँ 6 महीने ही सरवाइव करेंगी। फिलहाल संगीता HDFC बैंक में ऑपरेशनल मैनेजर की नौकरी कर रही हैं। वो कहती हैं, खुद पर भरोसा करो, जो हो गया उसकी तरफ मुड़कर मत देखो, वर्तमान पर फोकस करो और भविष्य को बेहतर बनाओ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।